नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं आईडीआई न्यूज। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की ताजा ब्रेकिंग खबरें और मुख्य समाचारों के बारे में। 31 मई के बाद 2 हफ्ते को बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। लॉकडाउन में अभी कुछ छूट जरूरी मिली है, लेकिन इसका खामियाजा हमें अधिक देखने को मिले, यानी कि कोरोना वायरस का कहर और भारत में और बढ़ रहा है। केंद्र सरकार 31 मई के बाद 2 हफ्ते के लिए फिर से लॉकडाउन बढ़ा सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण की गति को कम करने के लिए बढ़ाए जाने वाले इस लॉकडाउन का स्वरूप अलग हो सकता है और इसमें पहले के मुकाबले अधिक ढील दी जा सकती है। गृह मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने बताया कि लॉकडाउन का अगले चरण की संभावना पहले जैसे लॉकडाउन की तरह नहीं होगी और ज्यादा फोकस 11 शहरों पर होगी जहां कोविड-19 का केस 70% मामले हैं। इन शहरों में 6 बड़े महानगर दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, चेन्नई, अहमदाबाद और कोलकाता है। इसके अलावा इसमें पुणे, थाने, जयपुर, सूरत और इंदौर भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश, प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया ना लिया जाए। सफर शुरू करने से पहले राज्यों ने खाना मुहैया कराए। प्रवासी मजदूरों के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन और बसों से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किसी तरीके का किराया ना लिया जाए या खर्च राज्य सरकार ही उठाए। कोर्ट ने आदेश दिया है कि फंसे हुए मजदूरों को खाना मुहैया कराने की व्यवस्था भी राज्य सरकार ही करे। इस मसले पर अगली सुनवाई अब 5 जून को होगी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ट्रेन और बस से सफर कर रहे प्रवासी मजदूरों से किराया ना लिया जाए या खर्च राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें उठाए। स्टेशन पर खाने और पानी सरकार मुहैया कराए और ट्रेन के भीतर मजदूरों के लिए व्यवस्था रेलवे करे। बसों में भी उन्हें खाने और पानी दिया जाए। देश भर में फंसे मजदूरों जो अपने घर के लिए बसों और ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए खाना राज्य सरकार ही मुहैया कराए। मजदूरों को खाना कहाँ मिलेगा और रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, इसकी जानकारी भी विस्तृत तरीके से दिया जाए। राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को देखे और यह भी सुनिश्चित करे कि उन्हें घर के सफर के लिए जल्द से जल्द ट्रेन या बस मिले। सारी जानकारी इस मामले से संबंधित लोगों को दी जाए। 22 सफर को लेकर खतरे की घंटी, यात्रा कर रहे कोरोना पॉजिटिव लोग। अगर आप भी हवाई यात्रा करते हुए कहीं जाने की सोच रहे हैं तो एक बार फिर से सोच ले। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि क्योंकि हवाई यात्रा के शुरू होने के बाद लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे जिसमें यात्रा करने वाले कोरोना पॉजिटिव पाए गए, यानी कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों के बाद भी कोरोना का खतरा कम नहीं हुआ है। इंडिगो के फ्लाइट में अब तक 11 कोरोना पॉजिटिव लोग यात्रा कर चुके हैं। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से बताया गया है कि 26 मई से 27 मई यानी 2 दिन में अलग अलग फ्लाइट में यात्रा कर चुके कुल 11 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंडिगो ने बताया कि कुछ बिना लक्षण वाले पैसेंजर जिन्हें इंडिगो फ्लाइट में सफर किया गया वो कोरोना पॉजिटिव ही पाए गए, जिनमें से 26 मई को 3 पैसेंजर ने दिल्ली से जम्मू जाने वाली फ्लाइट में, 27 को मई को 6 पैसेंजर ने बेंगलोर से कोयम्बटूर की फ्लाइट में और 2 पैसेंजर दिल्ली से कोयम्बटूर आने वाली फ्लाइट में यात्रा किया है। कोरोना को रोकना आसान नहीं, वायरस के साथ जीने की आदत डालनी होगी। हर कोई यही सवाल पूछता है कि ये कोरोना कब खत्म होगा। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार हम सबकी पुरानी जिंदगी फिर से कब लौटेगी, कब हम अपने पुरानी आदतों के साथ जिएंगे। तो कायदे से इसका कड़वा सच ये है कि फिलहाल तो कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी। ना ही आदत डालनी पड़ेगी बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी की बहुत सारी आदतें भी बदलनी पड़ेगी। उसे अपनाना भी अपने आप सीखना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना फिलहाल जाने वाला नहीं है बल्कि हमारे साथ घूमने वाला है। पिछले साल ईद और इस साल की ईद की तस्वीर देखे तो जिंदगी बदलने का मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ तो रस्में दुनिया भी थी, मौका भी था, दस्तूर भी था, फिर भी ईद से लोग दूर ही रहे। और काश बात सिर्फ ईद की होती तो सब कुछ किया जा सकता था, मगर अब तो कहने वाले कह रहे हैं कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, यानी कोरोना से पहले की जिंदगी जीने का जो तरीका था उसे बदलना पड़ेगा और हमें सबके साथ मिलकर बदलना ही पड़ेगा। हाथ मिलाना और गले लगना सब शायद अब तस्वीरों को देखने को मिले। भारत चीन सीमा विवाद पर बढ़ते हुए तनाव पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया बीच बचाव। भारत और चीन के बीच लद्दाख सीमा के पास तनाव जारी है। इस तनाव की गंभीरता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों से लगाई जा सकती है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत चीन के बीच मध्यस्थता की बात कही है। ट्रंप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हमने भारत और चीन दोनों को सूचित कर दिया है कि दोनों देश के बीच भले चल रहे सीमा विवाद को लेकर अमेरिका मध्यस्थ करने को बिल्कुल तैयार है। इच्छुक सब्जी बेचने वाला का बेटा बना बिहार बोर्ड का टॉपर। जी हाँ, बिहार बोर्ड का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। रोहतास जिले के हिमांशु राज बिहार टॉपर बने। हिमांशु को कुल 481 नंबर मिले हैं। वह रोहतास जिले के जनता हाई स्कूल तेनुजा के विद्यार्थी हैं। बिहार टॉपर हिमांशु राज रोहतास जिले के दिनारा प्रखंड के तेनुजा पंचायत के नटवर कला गाँव वार्ड नंबर 10 के निवासी। हिमांशु राज के पिता सुभाषी सिंह सब्जी बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। माता मंजू देवी कुशल गृहिणी हैं। हिमांशु राज के पिता
प्रकाश सिंह विक्रमगंज के तट पर बाजार में सब्जी बेचते हैं। बेहतरीन साधारण परिवार का बेटा हिमांशु बेहद कुशल, लंगन और परिश्रमी विद्यार्थी था। हिमांशु ने बताया कि बोर्ड की परीक्षा के लिए उन्होंने विशेष मेहनत किया था। वह दिन में करीब 14 घंटे पढ़ाई करते थे। हिमांशु से बड़ी एक बहन है जो इंटर में पढ़ती है। हिमांशु की इच्छा है कि वो ऊंची उड़ान भरने की के लिए हाई स्टडी पढ़ाई करे और उसकी तमन्ना है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। 40 घंटे ट्रेन नहीं पहुंची मुंबई से बिहार, पानी के लिए अफरा तफरी। कोरोना वायरस संकट के बीच रेलवे प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक ट्रेन चला रही है। ट्रेन शुरू करने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने दावा किया कि प्रवासी मजदूरों के लिए ट्रेन में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन मुंबई से बिहार जा रही श्रमिक ट्रेन सरकार के सभी दावों की पोल खोल रही है। आलम यह है कि मुंबई से कटिहार के लिए ट्रेन 40 घंटे में भी गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंची। इसके अलावा यात्री को खाना तो दूर, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। 24 मई रात 9 बजे चली थी ट्रेन विक्टोरिया टर्मिनल मुंबई से कटिहार के लिए। श्रमिक ट्रेन 24 मई को रात 9 बजे चली थी, लेकिन ये घट अब तक पटना नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि ट्रेन अभी भी बलिया के आसपास है और यात्रियों को ट्रेन में सुविधा नहीं दी गई है। ट्रेन में यात्रा कर रहे एक यात्री ने बताया कि ट्रेन जहां तहां स्टेशनों पर रोकी जा रही है। ट्रेन में खाना तो दूर की बात, पानी तक नसीब नहीं हो रहा है। लोग ट्रेन में गर्मी से परेशान है और सभी का बुरा हाल। पूरी क्षमता से चल सकेगी एयर इंडिया रिलीफ फ्लाइट। सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को हुई विशेष सुनवाई में एयर इंडिया को नॉन शेड्यूल इंटरनेशनल फ्लाइट के मामले में थोड़ी सी राहत दी है। यह फ्लाइट विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाई जा रही है। कोर्ट ने कहा है कि एयर इंडिया 6 जून तक 10 दिन के बीच खाली सीट छोड़ने बिना प्रचालन कर सकती है। इसके बाद इस फ्लाइट का प्रचालन बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक ही होगा। लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट के 22 मई को आदेश के खिलाफ दाखिल नागरिक उड़ान मंत्री और एयर इंडिया की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस आदेश में एयर इंडिया को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए बीच की सीट खाली रखकर प्रचालन करने को कहा था। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 25 मई को कहा कि सामान्य हालत में हम हाई कोर्ट के अंतर आदेश में दखल देने के पक्ष में नहीं होते। आपको बता दें कि बॉम्बे हाई कोर्ट में एयर इंडिया के एक फ्लाइट ने याचिका दाखिल कर कहा था कि विदेश में फंसे भारतीय नागरिक को वापस लाने में एयरलाइंस कोविड-19 के संबंध में सुरक्षा कदमों का पालन नहीं कर रही है। दूसरी खबर भी चीनी वायरस से निकल के आ रही है। जी हाँ, दूसरी खबर, महाराष्ट्र को केरल मॉडल की जरूरत, राज्य सरकार ने मांगी मदद। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना से बुरी तरह प्रभावित पुणे बॉम्बे औद्योगिक इलाके में महामारी से लड़ने के लिए औपचारिक रूप से पत्र लिखकर केरल सरकार से सहायता मांगी है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजे टोपी द्वारा केरल की स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री के शैलेजा से बात करने और कोरोना महामारी की चुनौती पर चर्चा करने के लिए कुछ दिन बाद यह कदम उठाया है। डॉक्टरों और नर्सों की मांग, अब महाराष्ट्र सरकार ने एक आधिकारिक पत्र भेजकर यह महामारी संकट से निपटने के लिए डॉक्टरों और नर्सों की मांग किया है। मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च के डायरेक्टर डॉक्टर टीपी लहने, जो नोडल अधिकारी हैं, ने कहा है कि निकट भविष्य और पुणे में कोरोना मामले की संख्या बढ़ने की आकांक्षा है। उन्होंने महाराष्ट्र के स्वास्थ्य अधिकारियों की सहायता के लिए विशेष डॉक्टर और नर्सों की 50 टीम के लिए मंत्री शैलेजा से अनुरोध किया है। आपको बता दें कि उनकी सेवाओं के लिए महाराष्ट्र MBBS डॉक्टर को प्रति महीने 80,000 रुपए और MD और MS विशेष डॉक्टर को प्रति माह 2,00,000 रुपए का भुगतान करने के लिए तैयार है, जिसमें फिजिशियन और गहन चिकित्सक भी शामिल हैं। तीसरी खबर भी चीनी वायरस से ही आ रही है। जी हाँ, लॉकडाउन में छूट से बड़े कोरोना केस, लेकिन स्थिति काबू है। जी हाँ, आपको बता दें कि केजरीवाल ने एक बयान शेयर किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना वायरस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पिछले दिनों से दिल्ली में कोरोना का केस लगातार बढ़ रहा है। इस पर बात करते हुए सीएम ने खुद को माना कि लॉकडाउन में ढील के बाद केस बढ़े हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि स्थिति काबू में है। 17 तारीख को लॉकडाउन में काफी ढील दी गई है। आज एक हफ्ते बाद भी यह मैं कह सकता हूं कि स्थिति नियंत्रण में और कोई बढ़ाने वाली बात। जब लॉकडाउन में ढील दी गई थी तब हमें उम्मीद थी कि केस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी, थोड़ा बढ़ोतरी हुई, लेकिन चिंता की बात नहीं है। वैसे आपको बता दें कि दिल्ली में संक्रमित केस के बारे में केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली में अभी 13,418 पॉजिटिव केस हैं, जिनमें से 6540 लोग ठीक हो चुके हैं और 6617 लोग अभी भी बीमार हैं। यानी कि जितने ठीक हुए उतने ही बीमार हैं। कोरोना की वजह से अब तक दिल्ली में 261 लोगों की मौत हो चुकी है। चौथी खबर निकल के आ रही है मुंबई महाराष्ट्र से। जी हां, राज ठाकरे का योगी पर पलटवार, कहा बिना अनुमति के महाराष्ट्र में नहीं आने चाहिए प्रवासी मजदूर। भले ही देश भर में कोरोना वायरस का प्रकोप कम नहीं हो रहा, लेकिन दूसरी ओर राजनेता पूरे मामले में राजनीति करने में नहीं चूक रहे हैं। अति संवेदनशील मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मजदूरों को लेकर बयान दिया है, जिसके बाद अब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी पलटवार किया है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ यह बात ध्यान रखे, प्रवासियों को
को अब महाराष्ट्र में आने से पहले उन्हें इजाजत लेनी पड़ेगी। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव ठाकरे से अपील भी किया है कि मनसे के प्रमुख ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार को पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों का रिकॉर्ड बनाना चाहिए।